अच्छा अच्छा माल जो निकालोगे वो माल जब्त कर लेते हैं। अरे नहीं ठीक है, 3 इनको दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देते हैं। ठीक है आप ढाक एक्वा इस नाम से है, इसीलिए यार ये हल्की हल्की बारिश, रात का ये सन्नाटा, बैठी वो हमको लू आया वो उतर गई, इधर चेन पुलिंग कर दी, सब्र उतरना है। ऐसे आप पहचान सकते हो कि रेलवे अप्रूव पानी है। ट्रेन नंबर 13170 हाटे बाजारे एक्सप्रेस, और ये जो वर्ड है ना हाटे बाजारे, ये एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है दी मार्केट प्लेस। और पहले हावड़ा से बरौनी के बीच एक ट्रेन चलती थी नॉर्थ बिहार एक्सप्रेस, उसको बंद कर दिया गया था और उसकी जगह ही इस हाटे बाजारे एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया, और ये काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेन भी रही। और ये ट्रेन 564 किलोमीटर 16 घंटे 50 मिनट में कवर करती है सहरसा से सियाल्ला के बीच, और आज अपनी जर्नी होने वाली है इसी हाटे बाजारे एक्सप्रेस में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो अभी सहरसा जंक्शन से हमने ये लिए 2 पानी की बोतल, ये ढाप के नाम से है, मतलब अलग ही है, ढाक एक्वा इस नाम से है। और इसकी चीज़ हम एक और चीज़ अभी आपको दिखाते हैं पास से इसके बारे में है, ये रेलवे अप्रूव दी पानी 15 रुपये का आपको मिलेगा। हम तो पहली बार देख रहे हैं भाई ये कौन सा ब्रांड है, उससे पूछा हमने रेलवे अप्रूव है, कह रहा हाँ इस पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा रहता है आप कैसे चेक कर सकते हो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी ये आ चुके हैं हम सहरसा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, यहीं पर अपनी हाटे बाजार एक्सप्रेस लगाई गई है। और हम सोच रहे थे ना कि ये होगी LHB, बट यार ये ICF ट्रेन है, देख रहे हो ना ICF ट्रेन। वैसे भी अब बहुत कम ही जर्नीज होती हैं ICF ट्रेन में, तो आज बहुत दिनों बाद अभी लास्ट जो की थी आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में ICF ट्रेन जर्नी, अब ये इसमें होने वाली है। तो चलो बीच बीच में ये भी होता रहना ज़रूरी है। और आज अपना जो कोच है वो है ये B3। फर्स्ट लुक तो देखने में यार काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा लग रहा है कोच, बाकी देखते हैं जर्नी के दौरान। और आज हमारी जो सीट है हमारी फेवरेट सीट, साइड अपर सीट नंबर है 32, लगेज रख दिया है। और जो सीट्स का कलर आप देख रहे हो ना, अभी जो फ़िलहाल कुछ ICF ट्रेन है उसमें रहता है ये ब्राउन कलर का, लेकिन इसका ब्लू कलर का है, जो पहले अपनी लेजेंडरी ICF रेक था उसका ही कलर है इसमें। निर्धारित समय 2:50 से 1 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है सहरसा रेलवे स्टेशन से। निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है सहरसा जंक्शन से। अब आपको इस हाटे बाजार एक्सप्रेस का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो डेली सहरसा से दोपहर में 2:50 पे निकलती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 7:20 पे पहुंचा देती है सियाल्ला। कौन लिए हमारा दी? कौन से कोच में है? कौन से कोच में, कौन से डिब्बे में है? B2 में कौन सा है? नहीं उस साइड अगर हो, किस में, स्लीपर में है, एसी में है? अरे वो तो ठीक है, नहीं एसी में है, स्लीपर में काय में है टिकट? एसी ही में है, B2 में है का? हमको नहीं पता। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, इंतजार कर लीजिए आएंगे। और आज अपनी ट्रेन में लगा हुआ है डीजल लोकोमोटिव, देख रहे हैं ना कर्व में बिल्कुल आगे की साइड। हाँ तो ये जो पानी की बोतल हम बता रहे थे, ये देखो ढाब एक्वा, तो इसमें अगर आपको कभी भी किसी बोतल को अगर कोई वेंडर कह रहा है कि रेलवे अप्रूव्ड है तो चेक करना है, तो ये जो रहती है ना ये पन्नी इस पे रहता है, ये देखो ये लिखा हुआ है स्पेशली पैक्ड फॉर रेलवे, और इंडियन रेलवेज का यहाँ लोगो और इंडियन रेलवेज लिखा हुआ है ना, तो ये है रेलवे अप्रूव पानी। और इस पे MRP यहाँ ये देखो ये लिखा हुआ है 15 रुपये MRP। तो ऐसे आप पहचान सकते हो ये रेलवे अप्रूव पानी है क्या नहीं है, ठीक है ये रेलवे अप्रूव पानी है ये बॉटल। रेल नीड भी यहाँ पर चल रही है लेकिन उतनी नहीं मिलेगी, सहरसा रेलवे स्टेशन में यही पानी सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको।
22 किलोमीटर की जर्नी कवर करके निर्धारित समय से 2 मिनट पहले ही आ चुके हैं। अभी अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे दौरम मधेपुरा, और इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 15 ट्रेन्स यहाँ पर डेली आकर रुकती हैं, और आता है ये रेलवे स्टेशन अंडर समस्तीपुर रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। और धूप यार इतनी जोरदार धूप हो रही है भाई कि मतलब देखना तक मुश्किल पड़ रहा है, कैमरे में सिर दर्द होने लगा 2 मिनट में ही, 2 मिनट आए बाहर खड़े हुए इतने में ही ऐसी धूप। क्योंकि ना जब बारिश हो जाती है अच्छी और उसके बाद एकदम चटक धूप निकलती है, बड़ी बेकार होती है ये धूप सही में। 2 मिनट का हॉल्ट था लेकिन ट्रेन अपनी यहाँ पर खड़ी रही 25 मिनट, और अभी अपन लोग लेट हो चुके हैं 23 मिनट दौरम मधेपुरा। पता नहीं क्यों खड़ी रही, एक जो आंटी नहीं थी हमने मतलब डिपार्चर के बाद दिखाया था, एक आंटी बैठी हुई थी, मतलब हमको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था तो हमने उनसे पूछा, तो कह रही है कि हमारे साथ में जाने कोई है, वो टिकट है उनके पास, वो आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आंटी हमें उल्लू बना रही थी, ठीक है ना, आंटी का क्या सीन था, आंटी बैठी रही और जो स्टॉप निकला है ना अभी ये मधेपुरा यहाँ पर उतर गई, ये था, और कोई नहीं आया, उनका कोई टिकट विकट भी नहीं था, बस ऐसे ही आराम से आई बैठी, वो हमको उल्लू बनाया और उतर गई। इधर फिर टीटी भी आए होंगे, तो टीटी आए थे टिकट चेक करने, हमको लग रहा उनको यही बोला होगा, बस सबको उल्लू बना के आराम से उतर गई आंटी। आंटी का गेम सही हो गया। खैर मौसम यार इतना मतलब अजीब सा हो रहा है, क्या है बाहर अभी धूप में गए, धूप से फिर एसी में, पहले एसी में थे फिर धूप में गए फिर एसी में आए, सिर ऐसा दर्द हो रहा है ना एकदम, सिर घूम जाता है ना एसी और धूप, निकलो एकदम एसी से धूप में और फिर वापस एसी में, वही भाई सिर एकदम ऐसा घूम है, इससे हो रहा है दर्द जोरदार। मौसम बड़ा बेकार हो जाता है यार ऐसे में, मौसम बड़ा बेकार हो जाता है, बारिश और बारिश के बाद की चटक धूप, हल्की फुल्की हो तो अभी झिल जाए, चटक धूप जो होती है बहुत बेकार होती है। तो अभी अपन लोग स्किप कर रहे हैं पूर्णिया कोट रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन पे हम देख रहे हैं भाई, तो ये देखो स्कूटी बाइक लोग बाग बढ़िया प्लेटफॉर्म पे इसी से घूम रहे हैं। ये देखो ये एक अंकल खड़े हुए हैं स्कूटी से, भाई इनका सही है स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ये बढ़िया स्कूटी अपनी बाइक से ही घूमते हैं। और भाई साहब यहाँ हो गई चेन पुलिंग, और देखो लोग कैसे उतरना है, चेन पुलिंग कर दी सबरे उतरना है। निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग पूर्णिया जंक्शन, जो कि बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, और यहाँ पर 2 लाइन्स आकर मिलती है, एक तो यही जिससे अभी अपन लोग आ रहे हैं सहरसा कटिहार, और एक आती है बरौनी गुवाहाटी लाइन, और अपनी हाटे बाजारी एक्सप्रेस का यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है, मतलब 10 मिनट बिफोर है, तो अब 25 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। और अभी हम देख रहे थे वैसे अपना कोच जो है ना ये 3rd AC का B3 ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ था, बट अब यहाँ से काफ़ी भीड़ थी इस ट्रेन के लिए, लगता है ऑलमोस्ट ट्रेन फुल हो जाएगी, और जो भी कसर होगी भाई वो कटिहार से पूरी हो जाएगी, कटिहार से तो पूरी फुल होनी ही है, क्योंकि हमने ऑनलाइन चेक किया था चार्ट बनने के बाद इस ट्रेन का स्टेटस, तो भाई एक भी सीट खाली नहीं थी इसमें, पूरी पैक है। अच्छा क्या हो गया, जब्त किए थे इसको हम, किसको जब्त किए थे, जोगबनी हावड़ा को। अच्छा जब्त कर लिए थे किसने, आपने? हाँ जी। जब्त करके कहाँ ले गए थे? कहाँ अपने कंट्रोल रूम खींच देता हूँ ताकि तुम इधर उधर नहीं करेगा। अच्छा पूरी ट्रेन को? पूरी ट्रेन को नहीं, पूरे ट्रेन को खरीद लेता हूँ। खरीद लेते हो? हाँ था। आए है। गायब हो जाती है रेलवे से जियाराम से। अच्छा गायब हो जाती है? नहीं उनसे जियाराम से जो है जियाराम ऑफिस जो है सोनपुर में, उनसे हमारा जीन मोहकिल कमुखिया अजमेर बाबा जो है जीन मोहकिल खींच लेता है कंट्रोल रूम कि आपको ये काम करना होगा, और इतने टाइम में ये हमारा चेला जाएगा, ये जाएगा लेट हो चाहे सेट हो। अच्छा। अगर खुलेगी गाड़ी तो खोले नहीं देंगे, ये बात। अब जब तक नहीं आए तब तो गाड़ी नहीं आई, और जब आए तो गाड़ी सर गई। अच्छा अच्छा मतलब कंट्रोल आप करना गाड़ी तो लिंक तक को उड़ा देते हैं हमको कमख्या के आशीर्वाद से। किसको उड़ा देते हैं? लिंक जो ऑनलाइन से तुम चका हुआ निकालोगे। अच्छा अच्छा माल जो निकालोगे वो माल जब्त कर लेते हैं। अरे नहीं रजिस्ट्रार लोग ना घबरा जाता है वहाँ
85204 कटिहार, ये 85205 और मतलब जो है और 85204 खगड़िया तक को करते हैं। हाँ टोकमेंट पूरा एकदम जयनगर तक। अच्छा अच्छा, बाकी जयनगर देहात इलाका है उससे हमको मतलब। तो आप कहाँ जा रहे हैं? कटिहार। कटिहार जा रहे हैं? अच्छा, फिर कटिहार से फिर गाड़ी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये आप गाड़ी? हाँ छोड़ देंगे। छोड़ देंगे ना टाइम से? हाँ कटिहार छोड़ देंगे, उसके बाद वहाँ से फिर चलेंगे एक डीएम पकड़ के वहाँ मनिहारी। मनिहारी, अच्छा तो इंजन लगवा दीजिएगा फिर। हाँ इंजन लगी रहती है आप। इसमें दूसरा इंजन लगेगा कटिहार से? इंजन नहीं लगेगी इसमें, नहीं लगवाएंगे? नहीं इसमें लगेगा, तो वहाँ जो है अगर ये पावर इसमें कम होगा तो वहाँ अर्जेंट रहती है तैयार बिजली वाली। अच्छा अच्छा, हाँ लगवा देंगे कि नहीं? हाँ 7073 नंबर है, 7007 है, 7071 है, अभी तीन तीन है इंजन वहाँ खड़ी। तो अभी पूर्णिया जंक्शन पर ही हम देखा भाई, तो यहाँ पर बढ़िया गर्मा गर्म समोसे और गर्मा गर्म चाय बन रही है। चलो यहाँ से लेते हैं समोसे और चाय। तो एक गर्मा गर्म हमने ले लिया है समोसे, 2 10 का 1 समोसा है और चाय। चलो टेस्ट करते हैं, और इसके साथ में जो है ना चटनी भी है, देखो चटनी भी है। चटनी भाई बहुत बढ़िया है, इसमें जो है वो नहीं होता अपना लहसुन और अदरक, वो सब मिला के चटनी बनाई है, तो टेस्ट बहुत शानदार है। और समोसा भी बिल्कुल सादा सिंपल, ऐसा आलू है ना वो रखा हुआ है इसमें, ज़्यादा कुछ मिर्च मसाला नहीं है। टेस्ट वाकई में मस्त है समोसे। चाय ठीक है, काम चलाने लायक चाय है, चाय कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन समोसा बहुत बढ़िया है। और बाकी अभी आपने वो देखा भाई, वो चाचा थे, वो कैसी कैसी बातें कर रहे थे यार, कह रहे कि मेरे अंडर कंट्रोल चलती है ट्रेन वगैरह, DRM से डायरेक्ट संपर्क है, कह रहा अभी बोलूँगा तो स्टार्टर जो सिग्नल होता है ना वो करवाएंगे और ट्रेन चलवाएंगे। वो कह रहे कटिहार में इंजन खड़े रहते हैं, ये वो सारी कहानी बता रहे। तो हमने आपको भी दिखाया, हमने काफ़ी मज़ेदार बातचीत कर रहे हैं, हमने यार काफ़ी फनी बातें हो रही हैं, तो हमने आपको भी दिखवाते हैं, यही तो जर्नी का एक्सपीरियंस है यार। फाटे पीटे चलो, रूट देखते चलो, और जो भी हो रहा है वो देखते चलो, और अलग अलग लोगों से मिलते चलो। चाचा जो है बड़ी बढ़िया गाने गा रहे हैं बैठ के गेट पर, चन्नी का मजा ले रहे हैं। चाचा गाना सुनिए। हाँ चाचा बढ़िया गा रहे हैं, गाइए गाइए। तुमसे मोहब्बत हो गई है, अरे पलकों की बाहों में रहने दो जरा, होगा मुझे पल रहने दो, तुमसे इजाजत मिल गई है, ए खाजा एहसान बड़ा हो गाये मुझे पल सहने दो, तुमसे मोहब्बत हो गई है। हाँ लगता है हमारे पेट में खाना नहीं है। खाना नहीं है तो चलिए कटिहार पे आपको कुछ खिलवा देंगे। कुछ क्या, बहुत कुछ मिलेगा कटिहार जाते, बहुत कुछ मिलेगा। हाँ जब आप हमको यहाँ हाँ हाँ जी बिल्कुल, जिंदगी में प्यार करना सीख लो, जिसको जीना है तो मरना भी सीख। बस बस वरना जीना साथ है, सब साथ है, दुख और सुख भी साथ है, दुख सुख भी साथ है, तन मन धन भी साथ है, धन भी हम ही है, धन भी हम ही है, मन भी हम ही है। चांद या बुताब हो जो भी है तुम खुदा की कसम, जवाब जमी कचा बुताब हो, चेहरा है जैसे बिजली चमकती, ये बहार
क्या बात, क्या बात, चांदनी का चांद है। नहीं सुनिए ना, ये सीट है, इस पे बैठ जाइए आराम से, ज्यादा अरे वहाँ रिस्क है ना, गेट पे बैठे हुए हैं आप, गाड़ी चल रही है, ट्रेन तेज चल रही है। चालीस साल से भाई साहब, ये है अभी सिंगल लाइन, इसीलिए अपनी ट्रेन को रोका गया है, ये DMU पास होने के लिए सिंगल डीजल लाइन। वैसे इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स और वायर्स तो यहाँ दिख रहे हैं, ओवरहेड वायर्स, बट अभी यहाँ पर डीजल ट्रेन ही ऑपरेट हो रही हैं, डीजल लोकोमोटिव DMU। क्या चाचा खाना खाएंगे? चलिए इधर खिलवा देते हैं, यहाँ और क्या, अरे खाना है ना, देखिए बढ़िया पूड़ी बन रही है वहाँ, चलिए खिलवा देते हैं। कितने का अभी ये प्लेट, कितने की है? 20 रुपए में कितना आएगा? तीन में हो जाइएगा कि 6 बोलना है? तीन में हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 इनको दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, एक चाय और ये दे दीजिए, ठीक है, ले लीजिए, आप खा लीजिएगा, ओके। निर्धारित समय से 18 मिनट पहले ये आ चुके हैं अपन लोग कटिहार जंक्शन, जो कि इंडियन रेलवेज का ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन पे आपको काफ़ी क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट भी देखने को मिलेगा, और अपनी हाटे बाजार एक्सप्रेस का यहाँ पर 35 मिनट का स्टॉप है भाई, 18 मिनट बिफोर है, 35 मिनट का स्टॉप है, अब मतलब लगभग 53 मिनट अपन लोग इस रेलवे स्टेशन पर रुकने वाले हैं। और इतना स्टॉप क्यों है, 35 मिनट का स्टॉप क्यों है, हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर होगा अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगेगा, अभी तक डीजल लोकोमोटिव लग के आया था, बट अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगेगा और साथ ही डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। तो चलो आगे साइड चलते हैं और आपको कपलिंग दिखाते हैं, जो अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अपनी ट्रेन में लगने वाला है। तो आज अपनी ट्रेन में लगने वाला है सियालदागा WAP 7, ये आ गया लोकोमोटिव, मिल गया चाचा, हो गया खाना, चाय पी लें, चलिए ठीक। रेस्टोरेंट में कॉल लगाए थे कैंसिल करने के लिए, बोलो तो चार्जर कैंसिल करने के लिए ऑप्शन सर इसी में आता है सर, किसी का फोन सर हम लोग फोन नहीं आता है सर कैंसिल करने के लिए सर। ये है जी सर, फ्रेश है जी सर, दाल का है, मैं पैक कर लूँ, कंटेनर है जी सर। ये लो भाई साहब, बरसात भी चालू हो गई और अब जाके सिग्नल मिला है अपनी ट्रेन को 7:42 पे, जबकि डिपार्चर था 7:35 का। तो ये है खाना जो हमने ऑनलाइन मंगवाया था, दाल फ्राई और तवा रोटी, 6 रोटी हैं, दाल फ्राई है, और ये हमको पड़ा है 130 रुपये, 132 ना 131, 132 रुपये का पड़ा है, और एकदम गरम गरम दिया, एकदम गरम, अभी दाल गरम है, रोटी भी एकदम गरम है, और देखने में तो दाल फ्राई बहुत बढ़िया लग रही है, देखो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार का कोच नहीं मिलेगा, मतलब पेंट्री कार की सर्विस भी देखने को नहीं मिलेगी, जबकि शाम के टाइम एक कोई मतलब था, खाने का ऑर्डर ले रहे थे, हमने भी दे दिया था, बट उनसे हमने पूछा कब आएगा खाना, करे शाम तक आ जाएगा, भाई शाम को तो तुम ऑर्डर ही ले रहे हो, फिर शाम को कैसे आएगा खाना, और अभी उनका आता पता नहीं है। ये तो अच्छी बात ये है कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था कटिहार रेलवे स्टेशन से, जो खाना आया था ना, फिर हमने सोचा कैंसिल करते हैं, बट कैंसिल हुआ नहीं, हमने सोचा इनसे ले लेंगे, जो बता रहे थे कि हाँ ट्रेन में मिल जाएगा, साइड पेंट्री है, क्या है, टेस्ट भी हो जाता खाना इनका कैसा खाना है, बट अच्छा हुआ कि हमने अपना ये जो ऑनलाइन वाला है ना वो कैंसिल नहीं किया, नहीं तो
बुरे फंस जाते। देखो अभी 7:45 हो रहा है, उनका तो अता पता ही नहीं है भाई खाना लाए हैं नहीं लाए हैं, कहाँ है कहाँ नहीं। कम से कम अपना ऑनलाइन वाला खाना आता हो गया, तो अभी हमने ऑनलाइन मंगवाया था दाल और रोटी। टेस्ट जो है ना दाल का एकदम बढ़िया है, मतलब काफ़ी हद तक घर में जैसी दाल बनती है ना बिल्कुल वैसा टेस्ट है। चलो सही है, अच्छा हुआ ये हमारा ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, नहीं तो आज उनके चक्कर में तो भाई हमें इधर के भी नहीं रहते उधर के भी नहीं रहते। तो अभी अपनी ट्रेन को एक छोटे से रेलवे स्टेशन परनपुर रोड पे रोका गया है, क्योंकि भाई ये है सिंगल लाइन और यहाँ पे अभी होने वाली है किसी ट्रेन की क्रॉसिंग। तो चलो देखते हैं भाई कौन सी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है। वो बाकी स्टेशन तो देख रहे हो ना, एकदम सिंगल प्लेटफॉर्म वाला है ये रेलवे स्टेशन और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अल्टीमेट मज़ा आया यार, ये हल्की हल्की बारिश, रात का ये सन्नाटा, ठंडा मौसम, ट्रेन जर्नी, अब और क्या भाई, बस एक चाय की कमी है, अदरक वाली एक चाय मिल जाए बस मज़ा आ जाए। चलो देखते हैं उस साइड से होगी क्रॉसिंग, देखते हैं कौन सी ट्रेन की होने वाली। सो फाइनली आ चुकी है ट्रेन क्रॉसिंग के लिए और ये आ रही है अभी कामाख्या राजेंद्र नगर पटना कैपिटल एक्सप्रेस। निर्धारित समय से 54 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग हरिश्चंद्रपुर, जो कि वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा मेन लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। डेली स्टेशन पे 35 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है और अपनी हाटे बाजारी एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। रेलवे स्टेशन पे बीच में तो थोड़ा शेड वगैरह बनाया, लाइटिंग अच्छी है और बाकी थोड़ी बहुत लाइट यहाँ लगी है और आगे की साइड तो बिल्कुल अंधेरा। ये लो हो गया अपना सिग्नल, चलो निर्धारित समय से 17 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग मालदा टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि ईस्टर्न इंडिया का काफी बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन और इसको ओपन किया गया था इन ईयर 1971। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। वैसे निकले तो इस स्टेशन से कई बार आ रहे हैं, बट क्या होता था ना कि जर्नी में निकले तो रात में निकल जाता था ये स्टेशन, तो कभी भी कवर नहीं हो पाया। और आप लोगों का कई बार कमेंट्स भी आए हैं कि भाई मालदा टाउन मिस कर दिया, मालदा टाउन मिस कर दिया, तो फाइनली आज ये रेलवे स्टेशन कवर हो गया। और अभी आवाज़ आ रही है हमको साइड से, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कुछ पूजा हो रही है क्या हो रही है, चलो दिखाते हैं हम आपको। कल में अभी ये खड़ी हुई थी उत्तर बंगा एक्सप्रेस, इसको सिग्नल मिल गया, इसका टाइम हो गया है, ये चल रही है। और इसका भाई स्लीपर कोच देखो आप कितना ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, ये देख रहे हो, ये देखो
मतलब इस कोच में यहाँ जो डस्टबिन होता है ना, वो डस्टबिन नहीं है, तो उसकी वजह से देखो क्या क्या हो रहा है। और लोग भी कमाल हैं, हम यहाँ कूड़ा फेंका, चलो कूड़ा फेंक रहे हो, उसके बाद ये सब जब्जी बची हुई थी सब ऐसी फेंक दी, अब ये पूरे में गंदगी फैल रही है, बताओ। अब चलो रेलवे की लापरवाही मान सकते हैं, यहाँ डस्टबिन नहीं था, लेकिन पैसेंजर्स भी तो देखो कितना लापरवाही करते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है फैलने वाली तो बाहर फेंक दो यार, कम से कम कोई जानवर खा तो पाएगा। अब यह ना तो कोई खा सकता है और ना कोई मतलब है, ऊपर से गंदगी अलग हो रही है, तो क्या मतलब है। हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन सियालदा। इससे पहले हम आपको दिखा दें कंडीशन वॉशरूम की, तो बेसिन एवरेज साफ़ है, ज़्यादा कुछ साफ़ नहीं है, मिरर भी ठीक ठीक साफ़ है, और वॉशरूम की कंडीशन तो भाई साहब हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि उसमें जो है फ्लश वगैरह काम नहीं कर रहा है, पानी भी ढंग से नहीं आ रहा है, इसलिए वॉशरूम की कंडीशन दिखाने की कंडीशन में है ही नहीं, गंदा पड़ा है एकदम, ये समझ लो पानी वगैरह सही से नहीं आ रहा है इस कोच में, ठीक है, पानी वाला कम आ रहा है, और दूसरी बात क्या, जो फ्लश होता है ना वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो समझ लो क्या हाल होंगे अंदर, इसलिए नहीं दिखा सकते। मतलब वॉशरूम कल तक तो ठीक था, बट आज सुबह मेंटेनेंस हो गई एकदम ज़ीरो। निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन हाटे बाजार एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन सियालदा। और वैसे इस ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं रही। इसका जो थर्ड एसी की जो कोचेस थे ना उसमें जो सीट्स थी भाई, कुशनिंग उनकी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि ये जो पुराने कोचेस होते थे ना इनका मज़ा अलग होता था, इनकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल होती थी भाई, एकदम सॉफ्ट सी और मज़ेदार सीट थी, बढ़िया नींद भी आई। और बस एक ही चीज़ की इसमें दिक्कत है कि इसमें पेंट्री नहीं है, जबकि डेली ये ट्रेन चलती है, तो आप लोगों को मतलब जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, वैसे लंबी भी नहीं है जर्नी, आप रात का खाना लेके चलो बस, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो कल शाम को जो साइड पेंट्री वाला था क्या था भाई, वो ऑर्डर तो बहुत लोगों से लेके गया लेकिन खाना किसी का नहीं लाया, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है ना। और बाकी वॉशरूम की कंडीशन शाम तक रात तक तो बढ़िया थी, रात तक भी बढ़िया थी, 12-11 बजे तक लगभग हमने देखा सही थी, उसके बाद सुबह लोगों ने यूज़ किया, प्लस काम नहीं कर रहा था तो वो तो फिर ख़राब होनी है, इसलिए सुबह वॉशरूम की कंडीशन सही नहीं थी। बाकी कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एकदम नया और अलग रूट था ये, है ना। और बाकी ट्रेन लवर्स एच वाई हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, देखो यहाँ मेंशन हो रही है, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।